हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 16th of November और अभी बज रहे हैं 7:30। मैं जस्ट उठा हूँ। आज मेरे डॉग ने मुझे लेट उठाया। जनरली क्या होता है, वो 6 बजे उठ जाता है और मेरे कान के पास में आके भौंकता है कि उसको खाना चाहिए होता है, बट आज थोड़ा लेट हो गया। वो भी सो रहा था मेरे साथ ही, तो वो भी लेट उठा और मैं भी लेट उठा। तो फिलहाल उसको अभी मैंने खाना दे दिया है। यू कैन सी इन द बैक में भी वो खाना खा रहा है। और ये भी खाना फिनिश करता है तो इसको वॉक पे लेके जाऊंगा मैं, तो आप लोगों से सीधा बाहर मिलता हूँ वॉक पे। सारे अपने मॉर्निंग के फ्रेशन अप होने वाले काम कर लिए हैं और वो मुझे खींचना शुरू कर रहा है। अभी उसको अभी बाहर ठंडे और इसके कपड़े मैंने मंगवाए हैं, बट वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए मैं इसको बाहर अभी एक दो दिनों से नहीं लेके जा रहा था। तो अभी इसको आज इसको मौका मिला है बाहर जाने का, इसलिए ये पूरा एक्साइटेड है और वो खींच रहा है मुझे। ज़्यादा वॉक अभी कर नहीं पाता है इसका, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं इसको अभी। जनरली वो मतलब उतना सीवियर नहीं है, बट इसको थोड़ी सी इसके बैक लेग्स में प्रॉब्लम है, वो बेंडिंग की, जो एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था। और ये फर्स्ट डॉग है मेरा, तो मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो हम इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे टाइल्स पे खेलने के लिए, बट उसके वजह से और ये क्या हुआ कि इसको बैक लेग्स में प्रॉब्लम हो गई थोड़ी। अभी बैक लेग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ये ना उठ बैठने में थोड़ी सी इसको तकलीफ होगी, सॉरी बैठ तो जाता था बट बैठने के बाद उठने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी इसको। तो उसके वजह से मैं जब डॉक्टर के पास लेके गया और इसका एक्सरे कराया हमने, तो पता चला कि इसे हिप डिस्प्लेशिया की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी उस बात को हो गए 3 महीने, अराउंड 3 मंथ्स तो हो गए उस चीज़ को। तो इसको काफ़ी हमने कंट्रोल किया हुआ है, इसके मूवमेंट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, हम अलाउ नहीं करते इसको अब घर में खेलना। राम प्रसाद हेलो बाय। छोड़ दिया अभी, फंसा लेगा अपने पैरों। आज ये नहीं सुनने वाला किसी की, आज अलग ही मूड में है ये। पहले क्या होता, लीश अगर छोड़ दो इसकी तो ये, और उसको बाय बोल दो तो ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएगा वापस, बट आज नहीं ऐसा कर रहा। आज इसको घूमना है, आज इसको दौड़ने का मन है इसको, आज मुझे भी थका रहा है ये। तो बहुत दिनों बाद आज आया ना बाहर, तो इसको भी चाहिए थोड़ा सा कि, और ठंड भी होने लग गई है थोड़ी।
पीछे एक अंकल योगा कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो योगा करते करते सो गए और ज़ोर से खर्राटे ले रहा हूँ, बट ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे हैं। अब टाइम है घर जाने का, फटाफट चलते हैं घर। ठीक है, जहाँ अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि क्या आपको पसंद नहीं आ रहा, और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी टू ग्रो माई चैनल। अभी स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज यही वो फेज है जहाँ पे मोस्टली वीडियोस जिनकी ग्रोथ नहीं होती, जिनके व्यूज़ नहीं आते, जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, वो फिर छोड़ देते हैं करना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस फेज में जाऊँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तो ग्रो करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि अगर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डालता हूँ तो वो आप लोगों को मिल जाए और आप लोग आराम से इंजॉय कर सको। तो फटाफट चलते हैं अब घर की ओर। बहुत देर से बोल रहा हूँ कि घर जा रहा हूँ बट ये जाने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा। अब फाइनली ये भी शायद घर की तरफ चल चुका है, तो मैं भी इसके हिप डिस्प्लेशिया के बारे में बता रहा था, तो हमें इसको जॉइंट सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो एक ये है ग्लाइको प्लस सुपर, और एक और दिखाता हूँ मैं आपको। और एक है पेट जॉइंट। ये दो सप्लीमेंट ये दिन में दो बार अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, और ये दिन में एक बार देना पड़ता है। इसके अलावा जो है एक और सप्लीमेंट है इसका, वो है मेगा फ्लेक्स। ये 6 ग्राम अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, क्योंकि इसमें मेंशन है 6 ग्राम दिन में एक बार देना पड़ता है। अब डॉग रखने के कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो क्या किया इसने, और ये हाल हर जगह का है। यहाँ पे अब मैं ना आपको वो रूम दिखाता हूँ जहाँ पे रहता है, उस रूम की हालत देखो किसने क्या किया है, और इतना ज़्यादा दिक्कत नुकसान हुआ है ना मेरा, कम से कम मेरे इक्विपमेंट्स को लेके। इसने मेरे हेडफोन्स चबा दिए, मेरे वन प्लस के बर्ड्स थे वो चबा गया, ये मेरे मैकबुक की चार्जर की वायर काट गया। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप डॉग ले रहे हो तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि क्या किया इस रूम का हाल इसने। ये देखिए चप्पल, ये देखो हालात, ये देखो मेरे टेबल की हालात देखो, ये देखिए। ये सब अभी रिपेयर करवाया मैंने दोबारा उनको मेंटेनेंस में बुला के, नहीं तो ऐसे काम करता है ये। सो एक बात मैंने नोटिस किया आज कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं बन पा रहे, क्योंकि अभी घर में ही हूँ मैं, और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, तो उस टाइम पे तो मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और मैं नया हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ से या किसी भी बात से कंटेंट बनाना अभी आता नहीं है, तो उसके लिए जो ब्लॉग्स है वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं बन पा रहे, आई नो दैट। बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को
कि अगर आप लोग ऐसे ही साथ देंगे मेरा लाइक, क्योंकि व्यूज़ मेरे चैनल्स पे आ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं आ रहा बट व्यूज़ आ रहे हैं, सो अगर आप लोग ऐसे ही साथ देंगे और थोड़ा सा और मेरे साथ टिके रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू गाइज़ कि मैं अपने कंटेंट को बहुत अच्छा कर लूँगा और अपने आप को, क्योंकि ये अभी एक लर्निंग फेज है मेरे लिए और ये बहुत ही न्यू फील्ड है, क्योंकि ना मुझे कैमरा ठीक से हैंडल करना आता है, ना मुझे एडिटिंग आती है, ना इवन इवन आप सोच लो मुझे एक अपने फ़ोन से सही से फ़ोटो खींचना नहीं आता। सो ये फील्ड जिस लाइन में मैं आया हूँ अभी, यूट्यूब के और कैमरा के, और कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए फ़िलहाल, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट अभी है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ ये 100% मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा, और बस ऐसे ही आप लोग थोड़ी सी और कृपया अपनी बनाए रखें। सो फाइनली आज ऑफिस का काम ख़त्म कर लिया मैंने, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और अब है चाय पीने का टाइम। चाय पीने के बाद मैं जाऊंगा जिम, अराउंड 6 बजे जाऊंगा जिम, सो आराम से टाइम मिल जाएगा। और आपको दिखाता हूँ मेरे घर से बाहर का कैसा व्यू आता है। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, प्लस अबैंडन बिल्डिंग्स है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट उसके बीच का व्यू दिखाता हूँ मैं। आप पीछे देख पा रहे होगे, ये जो खाली सा एरिया है ना, वहाँ से जाती है यमुना एक्सप्रेसवे। और संडे के दिन यहाँ पे सुबह सुबह अगर आप अराउंड 5 या 6 बजे सुनो ना, जो सुपर बाइक्स की आवाज़ आती है यहाँ से पास होते हैं ना, मज़ा आ जाता है सुन के। सो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जिम से आ गया हूँ। आज का दिन बहुत ही थकावट वाला और बहुत ही लंबा था मेरे लिए, ऑफिस का काफ़ी काम था आज, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, तो क्योंकि अब भूख भी लग गई है, तो डिनर करूँगा और फिर मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना है ताकि ये कल सुबह मैं अपलोड कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई और वीडियो मिस ना हो मेरी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, आज के लिए गुड नाइट।